पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तीखे वार किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह अहंकार की हार है और किसानों की जीत है, लेकिन जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ कर देगी, क्योंकि बीजेपी को किसानों की नहीं वोटों की फिक्र है और यह निर्णय भी चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इन काले कानूनों को इसलिए वापस करना पड़ा क्योंकि सरकार डर गई है। जिस तरह से किसानों ने विरोध किया और पूर्वांचल में खास तौर से समाजवादी पार्टी के साथ नौजवान किसान हर वर्ग खड़ा हुआ, उसकी गूंज दिल्ली तक गई। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसके लिए भाजपा के पूरे मंत्रिमंडल ही नहीं बल्कि पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है, ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। किसानों को कितना अपमानित होना पड़े, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और उनके सहयोगी उनके साथियों ने हर मौके पर अपमानित किया है। और ये केवल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए पूरा का पूरा। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने नोटबंदी मुद्दा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले नोटबंदी जैसा एक ऐसा ही फैसला लिया गया था, सभी को पता है कि क्या उससे कोई अर्थव्यवस्था सुधरी, वह भी गलत था। उन्होंने किसानों को कानून वापसी की घोषणा पर बधाई दी, लेकिन कहा कि यह हो सकता है कि चुनाव बाद फिर से कानून ले आए, इसका भरोसा कौन देगा। उन्होंने कहा कि किसानों को ना खाद मिल रहा है ना ही धान के सही दाम, ऐसे में सरकार को एमएसपी कानून लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में धान की कोई खरीद नहीं हुई है, किसान परेशान है, माफी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जन समर्थन खड़ा हुआ है उसके कारण ही यह कानून वापस हुए हैं। अभी उनका फैसला किसानों पे, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है कि एमएसपी कब लागू होगा, उसके लिए कानून कब बनेगा। बुंदेलखंड में आज है प्रधानमंत्री जी, बताएं कि बुंदेलखंड में किस मंडी को उन्होंने चालू किया है और जब से ये तीन कानून आए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या बजट दिया है, क्या मंडियों में खरीद हुई किसानों की किसी चीज की। इस बार जनता साफ करेगी, माफी नहीं चलेगी, जनता इनको साफ करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जो जन समर्थन पूर्वांचल का दिखाई दिया किसानों का नौजवानों का, उससे न केवल लखनऊ हिल गया बल्कि दिल्ली भी हिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।